नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बिस्वा कल्याण रथ। दिस इज अमेज़न प्राइम वीडियो स्पेशल। हमारे अड्डे पे आए हैं इंडिया के मोस्ट वांटेड एक्टर फॉर प्लेइंग द मोस्ट वांटेड कैरेक्टर्स, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर कैसा लग रहा है आपको हमारे गार्डन अड्डे में आके? आपका अड्डा है तो अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स, राइट आंसर। सर हमने ये सुना है कि आप दिन में एक्टिंग करते हैं लेकिन रात को आप गैंगस्टर है, क्या ये सच है? नहीं, जब रात को शूटिंग होती है तो गैंगस्टर दिन में शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, सर वेरी नाइस। गैंगस्टर वाला सिलसिला कैसे चालू हुआ? वासेपुर से चालू हुआ। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दैट इज कि वो गैंगस्टर है, लोगों को मर्डर कर रहा है, बट वी स्टिल आर इन लव विद द कैरेक्टर। तो हाउ डू यू गेट इनटू दैट मोड, कि आप कैसे प्ले करते हैं? मैंने ये सोच के किया नहीं कि वो गैंगस्टर है, मैंने सोचा एक रोमांटिक आदमी है तो रोमांस किसी भी चीज से हो सकता है, ब्लड से भी हो सकता है, गन से भी हो सकता है। तो वो मर्डर से प्यार करता है? हाँ, तो प्यार करता है, प्यार करना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। मतलब फैजल ब्लड से प्यार करता है, इज व्हाट सर इज ट्राइंग टू से। फैजल, 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 आपके लाइफ में क्या असर पड़ा फैजल प्ले करने का? असर तो बहुत पड़ा, कुछ गंदी आदतें पड़ गई मेरे अंदर। ओके। मतलब जैसे बदला लेने की। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो यहाँ पे भी अंदर से मेरा आता है कि मैं बदला लूँ। ओके। हाँ, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा, अगर आपने गलत सवाल किए मेरे से तो आपसे, राइटर से, ये जो डायरेक्टर कहाँ है? हाँ, वो है, वो है। तो सबसे मैं बदला लेने की कोशिश करूँ, ये आता है मेरे अंदर। ओके, ओके। रोक रहा हूँ मैं अपने आपको। ठीक है, हम ध्यान रखेंगे इस बात का। सर आपने फैजल प्ले किया है, आपने बहुत सारे गैंगस्टर्स प्ले किए, तो बहुत खुशी होता है जब आप एक पॉजिटिव रोल में, एक रोमांटिक रोल में दिखते हो तो बहुत खुशी होता है। तो अभी एक पिक्चर आया था अमेज़न स्टूडियोज़ का, फोटोग्राफ, तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? तो मुझे रोमांटिक रोल करना बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कभी कभी क्या होता है, मेरे चेहरे को देख के मुझे गन थमा देता है कोई भी, कभी कोई कुछ चाकू थमा देता है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। बट मेरा मन अंदर से तो करता है रोमांटिक रोल करने का। आप तो बहुत बिजी रहते हो ना लाइफ में, लेकिन हम तो वेले बैठे रहते पूरा टाइम शोज वगैरह देखते। तो तुम्हें क्या जेलसी हो रही है? तुम्हारी तरह क्यों बैठूँ मैं, इतनी मेहनत की है मैंने 20 साल से, तब बिजी नहीं हूँ तो कब बिजी हूँगा मैं? हाँ, सर बदला मत लो मेरे पे। हम तो वेले बैठे रहते हैं, कुछ भी देखते रहते हैं। तो आप भी देखते हो क्या ऑनलाइन, मतलब प्लेटफॉर्म से जाके शोज वगैरह देखते हैं? एक सीरीज देखी मैक माफिया, उसमें खुद था मैं, उसको एमी अवार्ड मिला, हम लोग गए थे वहाँ पे न्यूयॉर्क में। और उसके अलावा कुंबाड़, लिपस्टिक अंडर माय बुका। ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स आपकी कौन से हैं? गॉडफादर ऑफ कोर्स। ओके। उसमें बहुत सारे कैरेक्टर पसंद है, और स्पेशली मार्लन ब्रांडो का और अल पचिनो का जो कैरेक्टर है वो बहुत पसंद है मुझे। अल पचिनो का आप फैन है? मैं हमेशा रहा हूँ, हमेशा से फैन रहा हूँ। मुझे याद है जब हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे तो 3 महीने अल पचिनो बन के घूमते थे, 3 महीने जैक निकल्सन बन के घूमते थे, 3 महीने ब्रांडो बन के घूमते थे। तो इसका असर ऐसा हुआ कि जब मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली तो मेरा दिमाग एकदम सीधा गॉडफादर पे गया, कि जो एटीट्यूड था पचिनो का, जो एटीट्यूड था वो मैंने अपने गाँव में ढूंढने की कोशिश की। तो हमारे गाँव में उसी एटीट्यूड के बहुत सारे लोग हैं, तो उनको अडेप्ट किया, तो उससे फिर क्या हुआ, एक देसीपन आया उसमें कैरेक्टर में, गैंग फैजल खान में। सर क्योंकि आप अल पचिनो के इतने बड़े फैन हो, ये मैंने एक क्विज तैयार किया आपके लिए। अच्छा। ठीक है, 5 सवाल है उसमें, तो आप तैयार हुए खेलने के लिए? कोशिश करूंगा मैं। देखते हैं, इजी सवाल है। ठीक है, आप तो फैन, आपको तो पता ही होगा। Question 1, सर आप तैयार हो? ओके, ठीक है। अल पचिनो का फर्स्ट नेम क्या है? अल्फ्रेडो पचिनो, पूरा नाम नहीं याद है बट इतना तो याद है। करेक्ट है, फर्स्ट आंसर। 10,000 रुपीज कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया है, आप जीत गए सर। कैसा लग रहा है आपको 10,000 रुपए जीत के? मिलेंगे तब अच्छा लगेगा, अभी कहाँ मिले अभी तो सिर्फ बकैती है। गाइस पैसा तैयार करो, अदरवाइज बदला इज कमिंग। व्हिच मूवी गॉट अल पचिनो हिज फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन? गॉडफादर। सही जवाब, किलर आंसर। अल पचिनो का कैरेक्टर इन गॉडफादर एंड अल पचिनो के नाना जी, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, कुछ कनेक्शन है। सी, नाम से तो लगता है कि भाई इटालियन है। हाँ। तो कहीं सिसिली से आए, वहाँ गैंगस्टर बहुत होते थे। आप काफी क्लोज हैं वैसे। तो सिसिली करेक्ट है। हाँ। ठीक है, सिसिली टाउन से ही उनके नाना जी हैं। हाँ। तो उनका नाम क्या हो सकता है जो कि और एक कनेक्शन बनाता है? और नहीं पता मुझे। कॉर्लियोनी नाम है उनका। कॉर्लियोनी, या। ओके, अगला सवाल, अल पचिनो के वाइफ का नाम क्या है? यार वाइफ तो अभी वो कुछ दिन पहले कुछ क्लेम किया था ना कि वो कुछ शॉपिंग नहीं कराते, ये वो चली गई थी वो।
सर अलबचन ने शादी नहीं किया है। अच्छा, मुझे तो आइडिया नहीं था, बट मैंने सुना कोई लड़की छोड़ के चली गई उनको। वो हो सकता है उसके लिए शादी। वो बोल रही थी कि शॉपिंग नहीं कराते। सर आखिरी सवाल, आप बस ये बताओ कि कौन से शो के साथ अल पचिनो ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म डेब्यू मारा है? ये तो किसी को भी पता है, हंटर्स। सर आप जीनियस हो सर, किस खुशी में सेलिब्रेट करते ना सर। करो चलो सेलिब्रेट करने। क्या है तुम्हारे लेके आऊं? एक बहुत प्यारा कपकेक। दोनों मिलके खाते ना। हां चलो फिर इसको कट करने के लिए मैंने बटर नाइफ मांगा था। यार ये क्या है, इससे गर्दन काटी जाती है, तुम केक कटवा रहे हो। सर वो आप कैरेक्टर में आके काटो ना, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैरेक्टर में आके बहुत महंगा बैठ जाएगा तुम्हें। और ये हुई ना बात, हैप्पी बर्थडे टू कपकेक, मजा ही आ गया है ना। इसको एज इट इज रखना। सर ऐसा लगा नहीं कि आप ऐसा चाकू पहली बार यूज कर रहे हो ऐसे में। नहीं, मैं कर चुका हूँ, गैंग के वासेपुर में किया था, दोस्त की गर्दन काटी थी ना, सेम ऐसा ही था। सर हमारे लिए तो आप ही अल पचिनो हो, तो मेरा एक छोटा सा ख्वाहिश है कि कुछ अल पचिनो के जो डायलॉग्स है हंटर्स में वो आप अपने अंदाज में हिंदी में बोलेंगे। तो हिंदी में ना? हाँ हिंदी में, ठीक है। मुझे लगा कि इंग्लिश में मेरा थोड़ा जबान तंग है। सर पहला डायलॉग है, यू नो व्हाट द बेस्ट रिवेंज इज, रिवेंज। यू नो सबसे अच्छा बदला क्या होता है, बदला। ये बात सर मतलब बदला शब्द बदले से मुझे बहुत प्यार है। अभी मैं तुम्हें बताया बदला लूंगा मैं अगर तुमने गलत सवाल किया। बाकी शब्द बोलते हो ना तो आप यहाँ से बोलते हो, बदला यहाँ से एकदम अंदर, बदला मेरे अंदर कोर से आता है, यू नो फुल फीलिंग से। exactly. चलो नेक्स्ट डायलॉग है, यू मिस्टूक अस फॉर पॉन्स व्हेन ऑल दिस टाइम वी हैव बीन किंग्स। तुम सब मुझे इधर ढूंढ रहे हो, बादशाह यहाँ खड़ा है, बैठा है, मतलब बैठा है। सर जबरदस्त लास्ट। हाँ, जस्टिस इज कमिंग, इंसाफ मिलेगा, चिंता मत कर, इंसाफ मिलेगा। सर कट करो गाइस, मुझे नहीं, मुझे मत कट करो। तो नवाज भाई की बात सुनो, नवाज जी क्या कह रहे हैं आप? मैं तो यही कहूंगा कि मैं अल पचिनो का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, अगर आप भी फैन हैं तो बोलो और शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो इसी चैनल को अभी इसी वक्त, नहीं तो नवाज भाई आके ले लेंगे बदला। ठीक है, तो चाहिए बदला, नहीं चाहिए ना भाई सब्सक्राइब, कमेंट क्या लिख रहा है, सब्सक्राइब कर। अरे डांटो मत, आजकल हर आदमी डांट रहा है। लव यू बोलो।